हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। दिस इज दीपेन गोगोई। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट रेंज। तो ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी एंड आज बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट 25290, फर्स्ट रेजिस्टेंस 25450 एंड सेकंड रेजिस्टेंस 25562 एंड थर्ड रेजिस्टेंस 25722 and the first support 25178, second support 25017 and third support 24906। और ये बैंक निफ्टी डेली चार्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने एक रेंज ड्रॉ किया था तो अभी वो रेंज में है और यहाँ पे एक हमें बुलिश कंफर्मेशन मिला हुआ है जिससे ये डबल टॉप। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, तो ये कंफर्म करेंगे ये जब नेक लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा यहाँ से ये रीजन से, तो यहाँ से कंफर्म करेंगे अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया और 200 मूविंग एवरेज भी इसका ऊपर कैंडल फॉर्म हो गया तो हमें कंफर्म करना पड़ेगा ये मार्केट ऊपर चला जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे स्टोस्टिक भी हमें कन्फर्मेशन दे रहा है और CCI भी कन्फर्मेशन दे रहा है कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है यहाँ से, राइट। तो अगर हम ये इसको 4 आवर में देखें तो 4 आवर में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस लाइन था यहाँ पे, जिसे आप हायर हाई को कनेक्ट किया, मैंने ये हायर हाई जो एक मुझे रेजिस्टेंस मिला था तो इस ये रेजिस्टेंस लाइन का ऊपर ही मार्केट फॉर्म हो रहा है। फिर भी यहाँ मार्केट ओवरबोट जोन में है तो मुझे लगता है और भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप मूविंग एवरेज भी देख सकते हैं, मूविंग एवरेज कंटिन्यूसली ये फ्लैट होने लगा हुआ है। जो जब मूविंग एवरेज फ्लैट होने लगता है इसका एक साइन होता है जिसे आप मूविंग एवरेज फ्लैट मतलब ये आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज जब ऐसे आता रहता है वो स्लोप होता है। जब मार्केट ऐसा मूविंग एवरेज हो जाता है तो फ्लैट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट इस कैंडल से यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली फ्लैट होने लगा हुआ है, मतलब ये मार्केट फिर से मोड़ने वाला है, राइट। तो इसका एक साइन होता है यहाँ पे कि मार्केट और अभी ऊपर जाने वाला है, राइट। तो यहाँ पे आप 4 आवर में ये देखा और एक यहाँ पे हमें पहले इसको जो रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो उसका बाद हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिला हुआ है कहाँ, 100 मूविंग एवरेज के आसपास। तो और हमें मिला ये एक रेंज मिल गया आज ट्रेडिंग करने के लिए, तो इसको मैं 15 मिनट में जाएंगा तो आप 15 मिनट में एक रेंज मिला, अगर इसको तोड़ देता तो आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, 100, राइट। 200 जो होता है लास्ट और प्रीवियस, तो इसको हम बीच में छोटा है उसको हटा के हम 200 का ऊपर कर देता अभी 300 पॉइंट का ऊपर, तो आज का रेजिस्टेंस है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आज क्या हुआ है, हायर हाई बना के जा रहा है मार्केट, जैसे ये लो पॉइंट था, लो पॉइंट कहाँ पे था, डेली ये जो लाइन दिया हुआ है डेली रेंज का सपोर्टिंग में लो बनाया, लेकिन ये लो ब्रेकआउट कर नहीं पाया, नेक्स्ट लो बनाया, ये जो पहले हायर था तो इसको देख सकते हैं आप, हम अगर इसको ड्रॉ करें ऐसा, ये जो हायर था हायर को ब्रेकआउट किया किसने, इसने, तो बाद में लो बनाया तो अभी हायर हाई बना के जा रहा है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट हायर हाई होगा 25870, ठीक है। और इसको हम अगर 5 मिनट में देखें ये गैप अप मार्केट ओपन हुआ है और ये देख सकते हैं मूविंग एवरेज कंटिन्यूअसली क्लियर अप ट्रेंड दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर अप ट्रेंड, ये 200, ये 150, 100 एंड 50, 20 मूविंग एवरेज, राइट। ये कंटिन्यूअसली
एक का ऊपर एक है, तो इसका साइन होता है अप ट्रेंड, क्लियर अप ट्रेंड है, तो इसमें आप ट्रेड कैसे करेंगे, राइट? तो कैसे ट्रेड करेंगे उसका ऊपर हम बताएंगे अभी। तो यहां से आप देख सकते हैं क्लियर अप ट्रेंड है, लेकिन हम बाय लेंगे सिर्फ यहां तक 2587 तक। तो अभी देख सकता है यहाँ पे हमें एक जोन मिला हुआ है, यहाँ पे बाउंस हो रहा है, मार्केट कहाँ पे बाउंस हो रहा है अभी देख सकता है, पहले बाउंस था 20 मूविंग एवरेज के आसपास में, राइट? उसका बाद ये 50 मूविंग एवरेज से बाउंस हो रहा है, राइट? 50 मूविंग एवरेज से, 50 मूविंग एवरेज से, तो ये 50 मूविंग एवरेज भी साथ में जाएगा और ये मार्केट फिर से एक रिट्रेसमेंट करेगा, तो आपको बाय कहाँ लेना है, 50 मूविंग एवरेज के पास, फिर से सब बुलिश कैंडल आएगा तो वहां से हमको एंटी करना है, ये रीजन में यहाँ पे एंटी करना है, राइट? यहाँ पे एंटी करना है, ये मार्केट रिट्रेसमेंट करके, तो और एक हमें यहाँ पे क्या मिला, एक रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस एक बार ब्रेकआउट होता है, जैसे ये क्या पैटर्न रहता है, जैसे ये सा ये जो रेजिस्टेंस लाइन होता है उसको ब्रेकआउट करता है, उसका एक पुल बैक होता है, फिर से ऊपर जाता है, तो ऐसा ही एक ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, फिर से एक पुल बैक होने का चांसेस है, तो यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाने का चांसेस है, ठीक है? तो उस समय आपको देखना पड़ेगा ये मार्केट जब नीचे आएगा, स्टोकस्टिक भी नीचे आएगा, सीसीआई भी नीचे चला आएगा, तो बाद में यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा हमें बाय करने के लिए, और ये भी जैसे 20 मूविंग एवरेज के आसपास, सॉरी 20 जोन के आसपास क्रॉसओवर हुआ था, तो ऐसा भी एक 20 के आसपास क्रॉसओवर होगा, तो ये भी जीरो लेवल क्रॉस होगा होगा और हमें कंफर्मेशन मिलेगा, क्या कितना कंफर्मेशन मिलेगा हमें, तब 50 मूविंग एवरेज बाउंस बैक कंफर्मेशन 1, सपोर्टिंग लेवल कंफर्मेशन 2, स्टोकेस्टिक क्रॉसओवर कंफर्मेशन 3, सीसीआई क्रॉसओवर कंफर्मेशन 4, हमें 4 कंफर्मेशन मिला हुआ है, इसको बोलते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, तो यहाँ पे हम एंटी कर सकते हैं, ठीक है? सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।